हेलो दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं मैं स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वन क्लास का हिंदी का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, इसमें क्या है, हिंदी के सिलेबस में जैसे चित्रों के आधार पर शब्द बनाए, कोई फ़ोटो दिया रहेगा, जैसे बंदर का फ़ोटो है वो दिया है, तो बच्चे को क्या लिखना है, बंदर, ठीक है। उसी तरह चिड़िया का अगर फ़ोटो दिया है तो चिड़िया, ठीक है। तो इस तरह से चित्रों के आधार पर शब्द बनाना रहेगा। इसके अलावा अक्षरों से भी शब्द बनाने को मिलेगा, जैसे ऐसे अक्षर दे दिए जाएंगे और फिर कोई एक शब्द या दो शब्द, जैसे स है तो सड़क सपेरा, ब है तो बकरी बत्तख, इस तरह से शब्द बनाने को दे दिए जाएंगे। ये UKG में बच्चों को पढ़ना था, तो इसका आप समझ लीजिए कि रिवीजन के आधार पर इसे दिया जाएगा। अब इसमें है नेक्स्ट संयुक्त वर्णों की जानकारी, ठीक है। जैसे संयुक्त वर्ण 6 दे दिया जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इस तरह से वर्कशीट तैयार करके दे सकते हैं। जैसे मैंने 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, अब बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर 6 को संयुक्त वर्णों में हम किस तरह से लिखेंगे। 6 को तो हम लिख सकते हैं क, ये जो है इसे हलंत कहते हैं, तो हलंत क, इसका मतलब जब ये क के नीचे हलंत लगता है तब इसका मतलब होता है आधा क, मूर्धन्य स के नीचे हलंत लगा तो इसका मतलब हो गया आधा मूर्धन्य स, ठीक है। और अ, तो ये आधा आधा मिलकर अ मिलकर के ये 6 बनाते हैं, ठीक है, 6 से क्षत्रिय बनाते हैं, तो क श और अ। उसी तरह त्र है, तो त्र का जो संयुक्त वर्ण हो जाएगा वो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। उसी तरह ज्ञ है, तो ज हलंत प्लस इया हलंत प्लस अ, ज्ञ हो गया। स्र है तो तालाब स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे, केवल वर्कशीट में 6 3 ज्ञ इस तरह से देंगे और इधर का पार्ट उन्हें लिखना है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दे दिया जाएगा और बच्चों को ये लिखना रहेगा, तो इस तरह से हम वर्कशीट तैयार करेंगे। जैसे 6 से, अब 6 से क्या होता है तो क्षत्रिय क्षमा, 3 से क्या होता है तो त्रिशूल त्रिभुज। उसी तरह ज्ञ से ज्ञानी ज्ञात, ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी ज्ञात। स्र से श्रमिक परिश्रम, यहाँ स्र है देखिए, तो स्र से श्रमिक परिश्रम श्रम, ये हो गया। अब आते हैं बच्चों को लिखने के लिए वन क्लास में अनुस्वार वाले शब्द। ये देखिए ऊपर में बिंदु दिया रहेगा जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, तो उसमें शब्द में क्या क्या आ जाएगा, झंडा पंखा डंडा चंदा। देखिए एक जैसे शब्दों को बच्चों को हम एक साथ लिख करके याद करवाएंगे। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग अलग लिख दिया, लेकिन आप क्या करें, झंडा डंडा ठंडा, ठीक है, चंदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ढंडा ठंडा डंडा, ये सब एक साथ लिखे जिससे बच्चों को क्या हो, याद करने में आसानी हो। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। उसी तरह पंखा हो गया, गंदा हो गया, फिर जंगल मंगल दंगल, ये एक साथ हो गए। बंदर अंगूर, ये भी एक साथ आप लिख सकते हैं, बच्चों को याद करने में इससे आसानी होगी। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखे हैं, ठीक है, तो बच्चे को हमें क्या करना, वर्कशीट में ये दे देना है केवल, और बच्चा क्या करेगा, हम पहले उन्हें याद करवाएंगे फिर शब्द लिखने को देंगे। उसी तरह चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखने को कहेंगे, लिख देंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखो, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सांप, ठीक है। अब ऊंट घूंट मैंने एक साथ लिख दिया जिसे बच्चों को याद रहे, ऊंट घूंट, ठीक है, ये भी बड़ी ऊ है ये भी बड़ा ऊ है, देखे पूंछ, ऊंट घूंट पूंछ। तांगा कांदा, ठीक है, तांगा कांदा भी एक साथ हम लिख सकते हैं। हंसी झांसी, ये सब में चंद्रबिंदु है, ठीक है। कुआं बांसुरी, ये हो गए चंद्रबिंदु वाले शब्द। अब आता है बच्चों को वन क्लास में स्वर तथा उनकी मात्राएं। देखिए हिंदी के 2 बुक्स चलते हैं, तो हिंदी की जो स्टोरी वाले बुक रहते हैं, पोएम्स कविता वाले बुक जो रहते हैं, वो तो अलग अलग हो सकते हैं, पर व्याकरण, हिंदी व्याकरण तो कम लमसम एक ही रहेगा, ओके एक ही रहेगा, तो लेकिन फिर भी इसमें चेंजेज हो सकते हैं। मेरे बच्चों को जो पढ़ाया गया है वन क्लास में, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ओके। तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। स्वर तथा उनकी मात्राएं पढ़नी है, ठीक है, तो स्वर तथा उनकी मात्रा, जैसे आ है तो एक खड़ी पाई, ई है तो इस तरह से छोटी ई, बड़ी ई है तो इस तरह से दाएं तरफ से बड़ी ई होगा और लेफ्ट तरफ से बाएं तरफ से छोटी ई होगा, उ है तो इस तरह से बड़ी, तो बच्चों को इस तरह से याद कराना है कि कैसे मात्राएं हम देंगे। ए है तो इस तरह से, ए है तो 2 हो जाएगा, ओ है तो इस तरह से, फिर अ है तो इस तरह से, फिर ये देखिए ये अंग है
इस तरह से, ये आ, तो इस तरह से ऐसे बच्चों को हम याद करवाएंगे। इसी तरह आपको बहुत सारी मात्राएं आती, जैसे छोटी की मात्राएं, बड़ी की मात्राएं, तो ये सब भी आपको याद कराना होगा बच्चों को। तो आप देख लीजिएगा जो जो बच्चों को सिखाया गया होगा मात्रा, जैसे छोटी बड़ी, आ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, वो सब आप क्या करिएगा दे दीजिएगा। जैसे ई की मात्रा लिखो, दे दिया हमने, अब बच्चों को क्या लिखना है, किताब, गिटार, सिकार, जितना भी बच्चों के एग्ज़ाम में आएगा वो तो क्लियर रहता है सिलेबस में कि कितना बच्चों को पूछा जाना है। वन क्लास में भी लगभग पांच ही पूछे जाते हैं, तीन या पांच इस तरह से पूछे जाते हैं, कभी कभी तो दो ही रहता है। तो इस तरह से हम बच्चों को याद करवाएंगे। लेकिन जैसा देखा है मेरे बच्चों को तो पाँच ही मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा कभी दो मिल गया, कभी तीन मिल गया। तो ये छोटी में जैसे किताब, गिटार, सिकार, ये आ गया। बड़ी में नीला, पीला, गीला, नदी, ये आ गया। तो देखिए एक जैसे शब्दों को जरूर बच्चों को एक साथ लिखवाएं, क्योंकि इससे बच्चों को याद रहेगा। अब इसमें बारह खड़ी भी आता है, बारह खड़ी अब क्या कहेंगे। अब इसमें मैंने अपने बेटे के बुक में देखा तो इसमें क्री भी शामिल हो गया था, क्री और देखिए चंद्र बिंदु भी शामिल हो गया था, यानी ये बारह क्या तेरह चौदह हो गया, चौदह खड़ी। तो इसमें क का छोटी की बड़ी की छोटा कु बड़ा कु क्री के कै को क कर्ण और कं, ये क के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया और क इस तरह से हो गया। तो इस तरह से बच्चों को आ सकते हैं। फिर संयुक्ताक्षर से बने शब्द लिखें, ये भी देखिए जैसे ये बच ये दिया रहेगा, ठीक है, आधा का पूरा का, तो इसमें क्या बन जाएगा, चक्का मक्का, ठीक है, आधा च, इसमें दो ही दो शब्द दिए जाते हैं, आधा च पूरा च, तो बच्चा कच्चा, आधा क और त तो भक्त रक्त, आधा श और पूरा श तो रस्सी लस्सी, ठीक है, रस्सी लस्सी, आधा आधा च और छ मच्छर अच्छा। अब इसी में दो अक्षर के शब्द भी आते हैं, जैसे मोर, दो अक्षर में एल के जी यू के जी में क्या पढ़ना रहता था, बस बस छ त छ, जिसमें मात्राएं ना लगी हों, लेकिन इसमें क्या है कि मात्राएं भी, मतलब नहीं भी मात्रा हो तो भी कोई बात नहीं, पर मात्राएं भी लगी होती हैं, जैसे मोर हो गया, पौधा हो गया, चूहा, धोबी, इस तरह से। उसी तरह तीन अक्षर के शब्द, बकरी, मदारी, मटर, कुर्ता। उसी तरह चार अक्षर के शब्द भी, डुगडुगी, गिलहरी। इसी तरह मात्राओं का प्रयोग, जैसे ये देखिए करत तो करता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुरता, इसमें छोटी उ की मात्रा लगी, इसमें आ की मात्रा लग गई, कुरता। उसी तरह ततल तो ती त ली, तितली। उसी तरह उल लिखा है तो उल्लू। उसी तरह मच तो मोची। इस तरह बच्चों को ये हम वर्कशीट में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को ऐसे मात्राएं लगा के लिखना रहेगा। ग स न है तो ये हो गया किसान, किसाना। अब ये देखिए ये संख्या ज्ञान है, जैसे इसमें हिंदी में दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से दिया रहता है, और इसको हिंदी में एक दो, जैसे ये एक हो गया, ये दो तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें हम कैसे वर्कशीट दे सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे इसमें मैंने दो फूल बना दिया, अब इसका नाम लिखना है, तो नाम हो गया फूल, ठीक है। संख्या अक्षरों में तो दो, क्योंकि एक दो है, और संख्या अंकों में, तो जैसे हिंदी में लिखा जाता है दो, वैसे लिखना है। अब उस तरह ये पेंसिल है तो तीन पेंसिल है, तो नाम क्या है इसका, तो पेंसिल। संख्या अक्षरों में तो तीन, संख्या अंकों में तो इस तरह से तीन, ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं। तो हम वर्कशीट बना करके इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। अब वाक्य को बनाए चित्र देखकर, जैसे यहाँ पर दर्जी का फोटो दिया हुआ है, ठीक है, मैंने तो लिख दिया है, यहाँ पर हो सकता फोटो दिया रहे, बच्चों को क्या करना है, दर्जी सिलाई करता है, इस तरह से वाक्य बनाना रहेगा ऐसे। अब इसमें दिनों के नाम भी आता है, जैसे सप्ताह के नाम मैंने लिखा है, दिनों के नाम में आप पूरा रविवार से लेकर के शनिवार तक पूरा नाम याद करा दे, रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और इस तरह से आपको फील करने के लिए भी आ सकता है। जैसे सप्ताह में तो सात दिन होते हैं, ठीक है, तो सात हो गया, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, तो आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। रविवार के दिन सभी की छुट्टी रहती है, तो रविवार, ठीक है। अब है एक और अनेक,
जैसे इंग्लिश में आता सिंगुलर प्लूरल, वैसे हिंदी में एक और अनेक, तो एक है तो जैसे इस एक है तो तितली, अनेक में क्या हो जाएगा तितलियाँ, बिल्ली तो अनेक में बिल्लियाँ, एक में माला तो फिर अनेक में मालाएं, एक में क्या लिखते हैं केला तो बिल अनेक क्या हो जाएगा केले। अब आता है समानार्थक शब्द, जैसे आकाश है जो इंग्लिश में सिनोनिम्स कहलाते हैं वही हिंदी में समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश है तो गगन आसमान, हवा है तो वायु पवन, माता है तो माँ जननी, दिन है तो दिवस वार, जल है तो पानी नीर, इस तरह से दो दो शब्द लिखने को दिए जाते हैं। अब विलोम शब्द यानी इंग्लिश में जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो हिंदी में विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, या इन्हें उल्टा शब्द भी कहा जाता है। तो इसमें हो गया रात का दिन, सुख का दुख, अंदर का बाहर, अच्छा का बुरा, स्वर्ग का नरक। अब है परसर्ग का प्रयोग, वो क्या होता है परसर्ग क्या होता है, जैसे रानी रानी डैश माँ शिक्षिका है, तो इसमें कुछ अधूरा सा वाक्य लग रहा है, तो हम क्या अगर लिखेंगे कि सेंटेंस पूरा लगेगा, तो रानी की माँ शिक्षिका है, यानी जो की है वो परसर्ग हो गया, वो परसर्ग हो गया, ठीक है। उसी तरह चिड़िया पेड़ बैठी है, तो पेड़ पर बैठी है। अब है पिताजी डैश बच्चों डैश फल लाए, तो पिताजी ने बच्चों के लिए सॉरी यहाँ लाया हो जाएगा, तो पिताजी ने बच्चों के लिए फल लाया। उसी तरह राम पेंसिल डैश लिखता है, तो राम पेंसिल से लिखता है, तो यहाँ से परसर्ग हो गया। अब इसमें सामान्य अशुद्धियाँ भी आती है वन क्लास में, कि बच्चों को पहचानना रहता है, उन्हें दिया जाता है कि जो जो शुद्ध है उन्हें टिक करो, उन्हें सही करो। जैसे टोकरी है और ये टोकरी, तो दोनों में कौन सही है लिखा हुआ, उन्हें बच्चों को टिक करना रहता है, तो टोकरी ये सही है इसमें बड़ी ई होता है। उस तरह चांद है और ये चांद है, तो दोनों में कौन सही है, तो चांद में चंद्र बिंदु रहता है और इसमें अनुस्वार है, तो ये सही है, यानी ये बच्चों को इस तरह से टिक लगाना है। उसी तरह हिरण है और ये हिरण है, तो ये सही है, हिरण में छोटी ई होता है। उसी तरह सूरज है और ये सूरज है, तो सूरज में बड़ी ऊ होता है, तो ये सही है। तो इस तरह से बच्चों को हम वर्कशीट बना के दे सकते हैं। अब इसी तरह आता है वाक्य को शुद्ध करें, यहाँ खाना है बना माँ रही, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो क्या सही हो जाएगा, माँ खाना बना रही है, तो माँ खाना बना रही है, ये शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह है बहन कंचन मेरी, ठीक है ये बहन है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध, कंचन मेरी बहन है, ये शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को इसमें वर्कशीट बना के देंगे और उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, इससे बच्चे अच्छे से समझेंगे भी, क्योंकि उन्हें जब क्वेश्चन बना करके दिया जाता है ना तो वो अच्छे से समझते हैं। हाँ तो फिर आप इस तरह से वर्कशीट बना करके दे बच्चों को, वन क्लास का था ये सिलेबस हिंदी का। ओके फिर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।